उूलिशिजी बसमल रनिम अलक्म डर स्टूडेंट आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है सोल्यूशन तो इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं वट इज़ सल्यूट एंड सलमेंट तो बेटा जब भी सल्यूशन तैयार करते हैं तो इसके अंदर जो है दो चीज़ें मिस की जाती हैं एक होता है सल्यूट और दूसरा होता है सलमेंट अब देखेंगे सल्यूट क्या चीज़ है वाट इज़ सल्यूट एंड सलमेंट शुगर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म शुगर सोल्यूशन अगर हम शुगर को वाटर के अंदर हल करते हैं तो उससे जो है शुगर सोल्यूशन तैयार होता है द सबस्टांस विच डिजॉल्व इज कॉल्ड सल्यूट वो सब्सटांस जो हल हो जाता है उसे हम कहते हैं सल्यूट एंड सब्सटांस विच द सल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट और वो सब्सटांस जिसके अंदर सल्यूट हल होता है उससे हम कहते हैं सॉल्वेंट नेक्स्ट हम देखते हैं सोलूशन क्या होता है वाट इज सोल्यूशन इट इज अ मिक्सचर ऑफ इट इज मिक्सचर फॉर्म वैन टू आर मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सलवेंट ये ऐसा मिक्सचर होता है उस, उस वक्त बनता है जब दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल किया जाता है तो जो मिक्सचर हासिल होगा उसे हम सोल्यूशन कहेंगे मसला जब जैसे साल्ट और वाटर का सोलूशन तैयार करें तो इसके नतीजे में जो मिक्सचर हासिल होगा उसको हम कहेंगे सल्यूशन क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं एक्वा सोल्यूशन क्या होता है डिफाइन एक्वा सोलूशन एक्व का मतलब होता है वाटर पानी अ सोलूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट इज नाउन एज एन एक्वा सोल्यूशन यानी कि वो सोल्यूशन जिसमें पानी जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर होता है उसे हम कहेंगे एक्वा सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल साल्ट सोलूशन यानी कि अगर हम साल्ट का सोल्यूशन तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर होगा वो एज अ सॉल्वेंट होता है तो इसे हम कहेंगे एक्वा सोल्यूशन <Coh> नेक्स्ट देखते हैं वाइट यूज ऑफ़ अलकली सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलकली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एन एच उसके क्या इस्तेमाल हैं तो इसके इस्तेमाल यूज नंबर वन देखते हैं इट इज़ फार मेकिंग सोप कि ये जो है सोप यानी साबर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एंड वाशिंग पाउडर और वाशिंग पाउडर बनाने के लिए दो चीज़ों के लिए सोप और वाशिंग पाउडर बनाने के अंदर अलकली सोडियम हाइड्रो इस्तेमाल किया जाता है जी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ यूज ऑफ़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी अगर कली है इसके क्या इस्तेमाल आते हैं तो इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग पेंट एंड डाइज ये जो है अगर ये जो डाइज और पेंट के जो दाग वगैरह लग जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एन इंडिकेटर इंडिकेटर क्या चीज़ है इट इज़ अ डाई मिक्सचर ऑफ डाइज एक डाई भी हो सकती है या मुख्तलिफ मिक्सचर भी हो सकता है विच चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू एसिडिटी या और इसका कलर जो है सब्सटेंस की एसिडिटी या अल्कलिटी के मुताबिक जो है तब्दील होता रहता है तो वो डाई या मिक्सचर ऑफ डाई का लाएगा इंडिकेटर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन हाउ कैन यू कैलकुलेट मैस ऑफ सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन है उसके अगर हमने मैस कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे मालूम करेंगे तो मैस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मैस ऑफ सालवेंट प्लस मैस ऑफ सल्यूट यानी कि मैस ऑफ सालवेंट और मैस ऑफ सल्यूट इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो मैथ ऑफ सल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं नेक्स्ट है नेक्स राय टू यूज द वाटर वाटर के जो है आम डेली लाइफ के अंदर जो है कोई से दो इस्तेमाल लिखें तो ये आम युदीज हैं नंबर वन इट इज़ यूज फॉर कुकिंग ये जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं नंबर टू इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पानी को जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट <coughs> देखते हैं वाट इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन एक डाइल्यूट सोल्यूशन वो क्या है वट इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन डाइल्यूट सोलूशन क्या होता है इट इज़ फाउंड वन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कि ये जो है उस वक्त सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की स्मॉल अमाउंट यानी कम मिकदार हल की जाती है तो उसे हम कहते हैं एक डाइल्यूट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इट इज फाउंड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कि ये वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की ज्यादा मिकदार जो है किसी भी सॉल्वेंट की गिवन अमाउंट के अंदर हल की जाती है तो जो सोल्यूशन तैयार होगा उसे हम कहेंगे कंसनट्रेट सोल्यूशन वट इज सलिबिलिटी इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट विच कैन डिजार इन वन ग्राम ऑफ सलमेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर ये जो है साल्यूड की वो ज़्यादा से ज्यादा मिकदार होती है जो किसी भी सलमेंट के 100 ग्राम में किसी भी मखसूस टेम्परेचर पर हल की जाती है उसे हम कहते हैं सॉलोबिलिटी विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल एंड यूगर्ट यानी कि एप्पल और यूगर्ट यानी दही और एप्पल के अंदर जो है कौन सा एसिड पाया जाता है तो एप्पल के अंदर जो एसिड है उसे हम कहते हैं मैलिक एसिड यानी कि एप्पल जो है इट कंटेन मैलिक एसिड एंड योगर्ट योगर्ट के अंदर जो होता है इट कंटेन लैक्टिक एसिड किसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट आर इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एसिड रेन के क्या क्या नुकसान आते हैं ये जो इसे क्या असरात होते हैं तो पॉइंट नंबर वन इट हॉर्न एनिमल एंड प्लांट ये प्लांट और एनिमल को नुकसान पहुंचाती है नंबर टू इट आल्सो डैमेज स्टोन एंड मार्बल ये मार्बल और जो स्टोन होता है इसको भी ये नुकसान पहुंचाती है नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं व्हेन द राइट अमाउंट ऑफ एसिड एंड अल्कली आर मिक्स्ड जब एसिड और अल्कली की राइट right अमाउंट जो है उसको वापस मिक्स किया जाता है और न्यूट्रल सोलूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म इसके नतीजे में एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वाटर और साल्ट का जिसको हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस अल्कली साल्ट और प्लस वाटर इसके रिजल्ट में हमें हासिल होगा साल्ट और वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज डिक बी स्टिंग कैन बी मेड लेस पेनफुल कि अगर जो है शहद की मक्खी काट ले जाती है काटती है तो उसके अगर जो पेनफुल दर्द है यानी कि दर्द है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं तो स्टिक बी स्टिंग कैन बी मेड लेस पेनफुल यानी कि उसको जो है हम दर्द को कैसे कम करेंगे बाय न्यूट्रलाइजिंग दैम विद सोप कि अगर हम उसको सोप के साथ साबुन के साथ न्यूट्रलाइज कर देंगे तो उसका जो शहद की मक्खी है उसका जो स्टिंग यानी उसका जो डांग का जहर होगा वो कम हो जाएगा और दर्द उसकी कम हो जाती है